ये देखो बिना दाढ़ी मूछ के आप कितने हैंडसम लगते हो। सॉरी, मेरे राजनीतिक करियर की सफलता के लिए मेरा छोटा बेटा अगर दाढ़ी मूछ बढ़ाएगा तो बहुत अच्छा होगा। कल मुंबई से एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आहूजा और उनके एसोसिएट्स आने वाले हैं और उनके साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और तुम्हें पता है मिस्टर आहूजा मूछ दाढ़ी वाले लोगों से नफरत करते हैं। अम्बे माँ पर भरोसा रखिए, सब अच्छे से हो जाएगा। वाह वाह, अच्छे से लगा खड़ा। उधर भी मैं ये हेयर रिमूवर वो काम नहीं करता जो इसे करना चाहिए। मतलब मैंने लगाया था, देखो चेहरा तो देखो, बाहर निकल गया ना तो 8-10 लड़कियां तो यूं ही मुझ पे लट्टू हो जाएंगी। सागर जी, लड़की आप पर लट्टू हो इसलिए दाढ़ी मूछ नहीं बनवाई है, आपको शाम को चंपू के देवर की शादी में जाना है इसीलिए बनवाई है, समझे? वैसे सागर जी, आप ना कभी दाढ़ी मूछ मत बनवाना, मुझे तो दाढ़ी मूछ अच्छी नहीं लगती। ये देखो बिना दाढ़ी मूछ के आप कितने हैंडसम लगते हो। नहीं क्यों, इसे दाढ़ी मूछ में तो इंसान रीच जैसा दिखता है एकदम। सही काम सागर, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। मॉम क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? छोड़ो, रहने दो, कुछ नहीं। मॉम बताइए ना, बात क्या है? लेकिन सासु माँ, आज सुबह से मैंने तो कोई गड़बड़ भी नहीं की। नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। दरअसल बात इतनी अजीब है कि मुझे पता नहीं चल रहा कैसे कहूँ, लेकिन तुम दोनों बहुत जोर दे रहे हो इसलिए कह रही हूँ। क्या है ना सागर, मुझे किसी ने कहा कि मेरे राजनीतिक करियर की सफलता के लिए अगर मेरा छोटा बेटा, मतलब सागर तुम, हाँ मैं सागर, अगर दाढ़ी मूछ बढ़ाएगा तो बहुत अच्छा होगा। सागर बेटा, मेरे लिए तुम इतना करोगे ना, मेरे करियर की सफलता के लिए तुम दाढ़ी मूछ उगाओगे ना? मुझे पता है काफी अजीब चीज करने के लिए कह रही हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कर सकते कोई बात नहीं। थैंक्स मॉम, आपकी सफलता के लिए मैं दाढ़ी और मूछ बढ़ाऊंगा। सच? हाँ मॉम। थैंक्स सागर, थैंक यू। बहाना बनाकर सागर को दाढ़ी मूछ रखने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं, तुम्हें सागर दाढ़ी मूछ में पसंद नहीं? बढ़िया। हाय हाय सासू माँ, मतलब आपने कोई मन्नत वन्नत नहीं रखी? हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर आहूजा इन कंपनी का ऑर्डर हमें ही मिलेगा। हाँ सर, बाय। क्या हुआ सागर जी? वही, मैंने मॉम को तो कह दिया कि मैं दाढ़ी मूछ बढ़ाऊंगा, ये दाढ़ी मूछ मुझे। हाँ हाँ सागर जी, मैं जानती हूँ कि आपको दाढ़ी मूछ पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ससुर ने मानता मानी है तो आपको बढ़ानी पड़ेगी दाढ़ी मूछ। वही एक और प्रॉब्लम है, कल मुंबई से एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आहूजा और उनके एसोसिएट्स आने वाले हैं और उनके साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और तुम्हें पता है मिस्टर आहूजा मूछ दाढ़ी वाले लोगों से नफरत करते हैं, उन्हें देखते उन्हें गुस्सा आ जाता है, या तो वो उन्हें भगा देते या खुद वहां से चले जाते हैं। अब अगर कल मूछ दाढ़ी में मैं उनसे मिला तो उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। सागर जी, लेकिन सुबह तक तो ऐसे थोड़े थोड़े बाल आएंगे ना दाढ़ी के, तो उतना तो चलता है। नहीं चलता है वही, वो मिस्टर आहूजा है, बहुत सख्त है। कोई बात नहीं सागर जी, आप टेंशन मत लीजिए, अम्बे माँ पर भरोसा रखिए, सब अच्छे से हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, क्या हुआ, आपकी बीवी ने आपको इस बार धोखे से मारा क्या? नहीं, बेबली की दादी सास। तो फिर आपका मुंह क्यों छिपा रहे हो आप? इस बार हमारी पत्नी ने हमें
औषधि की शीशे फेंक कर मारी। आप तो एकदम यमराज जी की तरह दिख रहे हो। बेबली की दादी सास, उसने मुझे ये नीले रंग की औषधि की बोतल फेंक कर मारी, जिससे बाल बढ़ते हैं, जिसे यमदूत अपनी मूछें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते, वो फेंक के मारी। इससे अच्छा होता वो पीली वाली जादुई औषधि मारी होती, जिससे बाल उगते ही नहीं है, जिसे देव इस्तेमाल करते एकदम साफ सुथरा रहने के लिए। अरे तो आप ये पीली वाली औषधि से अपने मूछों के बाल निकाल दो ना। अरे वो औषधि बाल न उगने के लिए है, उगे हुए बाल निकालने के लिए नहीं है। लेकिन एक मिनट, एक बात बताइए मुझे, आपने आपकी बीवी को ऐसा क्या कहा कि उसने ऐसे छुट्टा मारा? हमने अपने पत्नी से कहा कि वो आत्मा क्रमांक 819 ने हमें एक बार गाजर का हलवा खिलाया था, तो वैसे ही गाजर का हलवा आप बनाइए। तो कोपायमान होकर बोली, गाजर का हलवा इस मुंह से खाओगे ना? और ये बोतल फेंक के मारी सब औषधि। अरे अरे क्या आपकी चित्रगुप्त जी, अगर गाजर का हलवा खाने का था मुझे बोलने का, मैं मस्त आपको हलवा खिलाती हूँ, रुको अभी। ये देखो गाजर का हलवा। आपको चाहिए? अच्छा ये लीजिए, खाइए, आप खाइए गाजर का हलवा। ये पीली वाली मैं सागर के लिए लेके जाती हूँ, ये लगाने के बाद एकदम देवता जैसा दिखेगा। और ये नीली वाली जिससे केस उगते हैं, अड़ुसुया के लिए लेके जाती हूँ। शिशुमा, थैंक यू। पेट दबाओ आपके। ओहो, मैं क्या पूछ रही थी सुषमा, वो जो अपने मनता मनी है आपकी राजनीतिक कुरियर के लिए, तो वो सच में मनी है? करियर, इट्स करियर नॉट कुरियर। कूने का 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 करियर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इट्स नॉट कूने, इट्स करेक्ट का। हाँ दबा दबा रही थी थोड़ा नीच। मॉम मॉम, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ। ओह, आज खुद का हाथ लेके आई हो? ए सॉरी, हेयर रिमूवर मार्केट में नया आया है। मेरी पार्लर वाली ने कहा कि इसे लगाने से एक महीने तक बाल नहीं आएंगे। अच्छा है? हाँ। लाइए मुझे दीजिए, वैसे भी सागर जी को ऐसे रोज दाढ़ी बनाने में बहुत कंटा लाता है, काम आएगा उनको। दिखा दिखा दिखा। हाँ, मेरे काम आएगा। हाँ चलो जाओ, अंदर काम होंगे, चलो। मैं थोड़ा, सोनिया मैं भी देखो थोड़ा। बाय। अब मैं इस बोतल को खाली करती हूँ और ये नीली वाली औषधि इसमें डाल देती हूँ, जिससे अनुसुया को दाढ़ी मुंह चुगेगी। मजा आएगा। अब ये बाल उगने वाली औषधि मैंने इसमें भर दी है। क्या करूं क्या करूं, सागर जी की मुश्किल कैसे हल करूं? कुछ सोच में ही कुछ सोच। सोनिया भाभी, वो जो बाल निकाल निकाल लहसुन लेकर आई है, वो मैं सागर जी को दे देती हूँ, जिससे एक महीने तक उनके दाढ़ी के बाल आएंगे ही नहीं। आए आए एकदम सरल सोम। लेकिन नहीं, वो लहसुन तो शशुमा ने ले लिया है। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। सासू माँ का
कमरे में नहीं है। थोड़ा सा मुझे भी दो ना, मुझे अपर लिप्स करने हैं। इतना जल्दी पप्पी? मही अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। पालते जाएंगे, वाह क्या है? ऐसा कुछ आपको बहुत पंचत क्या है, कैसा है? अरे लगाओ लगाओ, फटाफट लगाओ, एकदम चकाचक हो जाओगे आप। जल्दी जल्दी लगाओ 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 ना। हाँ हाँ, आपको वही तानसेन था ना, क्या पहुंचा साहब के सामने कैसे जाएंगे? ये उसी का इलाज है। लगाओ लगाओ, मस्त चकाचक हो जाओगे। रपा रप लगाओ। क्या बात है? अब भाई वाह। अरे नीले नीले रंग काला सुन लगाओ। अच्छे से लगाओ, थोड़ा उधर भी भर भर के लगाओ। या ना? ज्यादा लगाओगे तो अच्छा असर होगा ना साकर जी? ज्यादा ना, ज्यादा लगाओ। लगाओ लगाओ। मही! 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 मही, ये है रिमूवर, वो काम नहीं करता जो इसे करना चाहिए। मतलब? मतलब ये उल्टा ही काम करता है। मैंने लगाया था, देखो। मस्त लग रहा है ना मुझे? पहले मैं बचपन में अपने पापा की मुझे खींचती थी, अब खुद की खींचूंगी। अरे तो ये तो कुछ नहीं, तो पूरी बॉटल लगा दी अपने चेहरे पर। सोनिया वाली बोतल में मैंने जो जादुई औषधि डाली थी, ये दोनों ने इसका इस्तेमाल किया। ओ मारी रे, अब क्या होगा? अपने बाप गड़बड़ हो गई मुझसे, बेबली को बताऊं फिर डांटेगी ना मुझे। अभी चुप रहती हूँ, देखने दो आगे आगे क्या होता है। ये क्या है वही? पता नहीं ये सब कैसे हो गया। सागर भैया मजा आ रहा है ना? भाभी क्या खाक मजा आ रहा है, कल अहुजा सर के साथ मेरी मीटिंग है, वो दाढ़ी मुझसे नफरत करते हैं और मेरा हाल देखो। भाभी मैं प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। पर सागर भैया मजा आ रहा है। भाभी आप एक काम करिए ना, अपने आप को आईने में देखिए ना मुझ के साथ। हाँ, और मैं अपनी सहेलियों को फोन भी कर देती हूँ कि मूंछों में मैं कितनी मस्त लग रही हूँ। हे भगवान। बेबली तो अच्छा ही करती है, गड़बड़ी मुझसे होती है। अरे अब क्या गड़बड़ किया आपने? मैंने क्या गड़बड़ किया मही? अरे नहीं नहीं बाबा, आपसे नहीं, मैं तो ये खाली खाली सारी सारी सारी। वो क्या हुआ? मैं ना हमेशा की तरह चित्रगुप्त जी के पास गई थी हाजिरी पूरने के लिए, तो वहाँ मैंने देखे तो दो मत ले, अभी मैं जाती हूँ चित्रगुप्त जी के पास और अच्छा सा उपाय लेकर आती हूँ। फिर से जा रही हो? चलेगा? मेरी दाढ़ी और बढ़ गई। मेरी भी मुझे बढ़ गई।
रही बेवली की जानी सास, इसका हम कोई उपाय नहीं दे सकते, क्योंकि आपने इस जादुई औषधि का इस्तेमाल अपने बहू का मजाक उड़ाने के लिए किया है। मैं कुछ नहीं कर सकता। चित्रगुप्त जी, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो आप भी जब भी गलती करते हो, आपकी बीवी आपको कुछ न कुछ लेके मारती है ना, आप मारो मुझे। एक मिनट, वो आइटम दे दो मेरे को। लाओ इधर, लाओ, मारो, ये लो, जितना जी चाहे आप मारिए, लेकिन उपाय दीजिए। ना, मैं ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको खाने की एक मस्त आइटम देती हूँ, रुको। ये देखिए, गुलाब जामुन। हाँ, ये खाइए, बहुत मस्त आइटम है, बहुत टेस्टी है। जल्दी से उपाय बताइए ना चित्रगुप्त जी। उपाय तो एक ही है, दाढ़ी मूछों के जो बाल बढ़ रहे हैं, वो 2 दिन के बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। हे भगवान, इसका मतलब है 2 दिन तक वो बाल के बाल बढ़ते ही रहेंगे। ओ माड़ी रे, कल तो आहूजा आ रहा है, बेचारे सागर का क्या होगा। वाह, क्या मूछे है, पता ही नहीं चल रहा है कि वीरप्पन की मूछ है या रावण की। नहीं नहीं, ये तो सोनिया की मूछ है, सोनिया की। वही वही, मैंने शेविंग करने की बहुत कोशिश की, देखो ना, 4-4 रेजर इस्तेमाल कर लिए, लेकिन दाढ़ी कटती नहीं। पता नहीं कौन से ऋषि मुनि का श्राप मिला है मुझे कि दाढ़ी ऐसी बढ़ती ही जा रही है। और मेरी मूछे भी बढ़ती ही जा रही है। सागर भैया, मैं क्या कह रही हूँ, आप ये दाढ़ी का सामान लपेट कर रख दो। लोशन लगाने से 1 महीने तक बाल नहीं आने वाले हैं, जिसका उल्टा ही हो रहा है। 1 महीना? मूछों वाली सोनिया मर्दानी, कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होगी कि एक ब्यूटीफुल हसीना को हसीन मूछे निकली। चित्रगुप्त जी ने कहा है कि 2 दिन तक ये दाढ़ी मूछ ऐसी ही रहेगी, निकल नहीं सकती। 2 दिन तक? फिर अब? सागर जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। सोनिया भाभी वो जो लहसुन लेकर आई थी, वो मैं अगर आपको ना देती तो ये सब होता ही नहीं, मेरी ही गलती है सारी। मही, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? मही, पागल हो गई तुम, कुछ भी बोल रही हो। हेयर रिमूवल की वजह से बाल नहीं आते। 1 मिनट मुझे बोलने दो। सागर, देखो मैंने भी लगाया है ना, कल सुबह हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। ये जो हुआ है, मुझे लगता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो गया होगा, ठीक हो जाएगा और तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। वैसे मही, दाढ़ी और मूछ में सागर हैंडसम लग रहा है ना। नाइस, यही लुक मेंटेन करना। अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? जाओ अंदर सो जाओ। सागर, सो जाओ, गुड नाइट। अब मॉम को भी। सागर भैया और मैं तीनों सेम बेंच पर। सोनिया, तुम ये हेयर रिमूवर क्रीम कहाँ से लाई? तू बहुत अच्छी लग रही है इसमें। मुझे उस ब्यूटी पार्लर वाले का नंबर दो, उस पर मैं टेस्ट करूंगी। रोजी मॉम, रोजी। एक्सक्यूज मी, ना सागर। हाँ, ये रहे सागर भैया। सागर भैया, आपसे मिलने को आया है। सागर, तुम्हें पता है ना, मुझे दाढ़ी मूछ वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुमने दाढ़ी मूछ रखी। चलो चलो यहाँ से। रुक जाइए साहब, देखिए अगर आपको जाना ही है तो चले जाना, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाइए। आप कौन? मैं सागर जी की पत्नी, जय अम्बे मही मेहता। दरअसल हुआ यूं कि
मेरी जो सासू माँ है, मतलब सागर जी की मम्मी, तो उनको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई है जिससे अचानक से ही उनकी ऐसे मूंछें हो गई है। अचानक ऐसे हो गया, भगवान पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, लेकिन क्या करेगा समझ में, आप मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी हो गई है, तो अभी ऐसा अचानक से हो गया साहब, तो आप समझ सकते हो ना कि सासुमा बेचारी उनको बहुत बुरा लग रहा है, बेचारी गुमसुम हो गई है। तो अभी सागर जी को ऐसा हुआ कि मम्मी को ऐसे बुरा ना लगे, इसलिए मैं भी थोड़ा दाढ़ी मूछ बढ़ा देता हूँ। तो इसीलिए सागर जी ने ऐसा किया। आप समझ रहे हो ना, पात्र प्रेम होता है वैसा। वाह बेटा हो तो ऐसा। सागर तुमने अपनी माँ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट डील दाव पे लगा दी। अम्मे माँ मुझे माफ कर देना, लेकिन आप समझ गए ना, अच्छा करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। थैंक यू सर, प्लीज प्लीज अंदर आइए ना, प्लीज प्लीज कम सर। देवली एक बात बोलूं, अगले जन्म में तू मेरी बहू बन के आना हो, ना ना बहू नहीं बेटी। चोयू बेटी बोलकर मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया आपने, लेकिन दादी सास मुझे पक्का वाला प्रॉमिस दीजिए कि आप दूसरी बार ये गड़बड़ वाला जादू बिल्कुल नहीं करेंगी। प्रॉमिस मिस्टेक, दोबारा नहीं करूंगी। लेकिन एक सच्ची बात बताओ, अभी क्या तेरी सास एकदम ये दूध वाली लग रही है। सच्ची बात है। मैं आई। शशुमा आपको नहीं लगता कि सागर जी को ये दाढ़ी मूछ ज्यादा हैंडसम लग रहा है? My mom.